हरिओम, मेरा नाम मीनाक्षी शेट्टी है और मैं कड़कपाड़ा कल्याण रहती हूँ। मेरा भाई पिछले 5 साल से अष्टांग योग नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ है, तो उसने मुझे बताया और मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत रुचि रखती हूँ। डॉक्टर शेर जी ने जनयोग बुक इंग्लिश में लिखा है, उसका ट्रांसलेशन डॉक्टर रमणानी सर ने हिंदी में किया, क्योंकि आम आदमी को समझ सके, पढ़ सके और उसका फ़ायदा उन पे हो, ये उनका इंटेंशन था। इसलिए मैं ये कोर्स ज्वाइन करके अभी 8 दिन होने को आया, अभी 6वां दिन है आज, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद होता है और ये बुक सब पढ़े ऐसे मुझे लगता है, इससे मानसिक विकास होगा और हम सही रास्ता, ये बुक पढ़ने से हमें सही रास्ता मिले, हमारे जीवन में जाने का जो रास्ता सही मिले, हम गलत रास्ते में नहीं भटकेंगे। और ये विचार मेरे मन में आता है कि हर आदमी जनयोग बुक पढ़े और उसका हम उनको बुक देंगे तो उनको आशीर्वाद हमें मिलेगा। बस हरिओम। मीनाक्षी जी को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आ जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मीनाक्षी शेट्टी जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता है, प्रभाकर शेट्टी जी की बहन है, वो यहाँ पे आ जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आगे शेयर करेंगे। हे प्रभो विभो अगार इति तव करणी, हे प्रभो विभो अगार इति तव करणी, सांदव न भाषा के न न भाषा के ना, गरु चंद्र लटकती चाला लटकती त्याला, जनम जुंबर सुबह का चताला, जन्म जुम्बर सुबह का चताला, मग अंतरली ही धरणी, प्रभो विभो अगाध इति तव करणी, ए प्रभो विभो अगाध इति तव करणी, बाहुली मनुष्य केली, बाहुली मनुष्य केली, क्या अनेक रूपे दिदरी, क्या अनेक रूपे दिदरी, नाच विसी आती धरुनी, नाच विसी आती धरुनी, प्रभो विभो अगाध इति तव करणी, ए प्रभो विभो अगाध इति तव करणी। उपस्थित मान्यवर और मेरे प्यारे साधक मित्रों, जनयोग आश्रम में 8 दिन कैसे बीत गए समझ में नहीं आया, सबके प्यार और सरकार से मैं धन्य होकर उम्र के इस पड़ाव पर छोटी छोटी चीजों में जैसे खाना पीना भी बहुत मस्ती पे नियंत्रण करके जीवन सुख और शांति से बीतेगा और अकेले से अकेलेपन की यात्रा आसान हो जाएगी, ऐसे मुझे दृढ़ विश्वास है। सबकी मंगल में और सुखमय जीवन की कामना करते हुए डॉक्टर साहब अष्टांग योग और जैन योग कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।